नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। दिल्ली से रांची लौटकर बोली कल्पना सोरेन, 4 जून का है इंतजार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है कि 4 जून को ही पता चलेगा कि बदलाव किस ओर होगा। कल्पना सोरेन सोमवार को नई दिल्ली से रांची लौटने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। कल्पना सोरेन ने कहा है कि चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन के साथ भेदभाव किया गया, चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सभी लोगों को 4 जून का इंतजार है, हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि उन्हें रामलीला मैदान में आयोजित इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की विशाल रैली में बोलने का मौका दिया। कल्पना सोरेन ने कहा है कि यह उनके लिए गौरव का क्षण था। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है कि उनके लिए यह नया अनुभव भी था। वह कभी रामलीला मैदान नहीं गई थी, पहली बार वह रामलीला मैदान गई और झारखंड के लोगों के मन की बात को पूरे देश के सामने रखा। इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूती मिले उसके बारे में भी हमने बात की। बता दें, झामुमो नेता ने कहा है कि महिलाओं, बहनों, आदिवासियों की बातों को मैंने देश के सामने रखा है। हेमंत जी की बातों को रखने का मुझे मौका मिला। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम ने सोमवार को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। दरअसल विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने की अनुमति देने को लेकर उन्होंने अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत से कहा है कि वह इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि विधानसभा सत्र अब समाप्त हो चुका है, इसलिए यह सुनवाई अब निरर्थक है। देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की मिली अनुमति। झारखंड के देवघर और संताल परगना ही नहीं, आसपास के इलाके के लिए खुशखबरी है। बता दें, खराब मौसम में उड़ान और नाइट लैंडिंग के कारण देवघर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को जो परेशानी हो रही थी, अब वह दूर हो गई है। 1 अप्रैल 2024 को DGCA ने देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की अनुमति दे दी है। देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का अप्रूवल देते हुए DGCA ने कहा है कि अब देवघर से हर मौसम में 24 घंटे विमान उड़ान भर सकेंगे और लैंड कर सकेंगे। इससे फ्लाइट कैंसिल होने की जो समस्या होती थी, इससे निजात मिलेगा। देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग को लेकर कई अड़चने थी। कई उच्च भवन जो इसके आड़े आ रहे थे, उन्हें हटाया गया। इसके अलावा नाइट लैंडिंग, विजिबिलिटी, मौसम आदि से संबंधित जो भी इक्विपमेंट लगने थे, सभी पहले ही एयरपोर्ट पर लगा दिए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में रोड से 50 फीट नीचे गिरी गाड़ी, 10 मजदूर घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र में सिलफोड़ा गांव के मोड़ पर अनियंत्रित वाहन पलटने से चालक समेत 10 मजदूर घायल हो गए हैं। घटना रविवार की रात करीब 11 बजे की है। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर बिहार के अररिया जिले के हैं। वे कैंपस पर सवार होकर मझगांव जैतगढ़ मुख्य सड़क पर प्रधानमंत्री जल नल योजना में साकेत सुमन एजेंसी के तहत कार्यरत हैं। सभी मजदूर कैंपर सवार होकर बेनीसागर से मझगांव होते हुए आसनपाट पंचायत भवन जा रहे थे, वहां उनका रात्रि पड़ाव था। बोकारो गिरिडीह में मथुरा सीनी पूजा महोत्सव शुरू। झारखंड के गिरिडीह और बोकारो जिले में भव्य शोभा यात्रा के साथ मां मथुरा सीनी पूजा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मां के जयकारे से पूरा शहर गूंज उठा। गिरिडीह में माहौरी समाज की कुल देवी मां मथुरा सीनी पूजनोत्सव सोमवार को माहौरी छात्रावास भंडराडी से एक भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। समाज के सैकड़ों लोगों के साथ शहर के गणमान्य लोगों ने इनमें हिस्सा लिया। यह शोभा यात्रा माहौरी छात्रावास से निकलकर टावर चौक, कालीबाड़ी, शिव मोहल्ला, गद्दी मोहल्ला से मकतपुर होते हुए पुनः माहौरी छात्रावास पहुंचकर समाप्त हुई। निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरते खूंटी उपायुक्त। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार की लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर गठित सभी कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांगों कार्यों की जानकारी ली और प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते, साथ ही क्लस्टर, मतदान केंद्रवार मूलभूत सुविधाएं, मतदान केंद्रवार रूम स्टार्च, मैप, वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान कर्मियों के रहने की सुविधा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश DC ने दिया है।
रौनका थाना प्रभारी पर गोली चलाने वाला उग्रवादी आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार। पलामू से सटे गढ़वा जिले के रौनका के थाना प्रभारी रहे पुअनी शंकर प्रसाद कुशवाहा पर गोली चलाने वाले जेजेएमपी के उग्रवादी को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गोलीकांड में अब तक जेजेएमपी एरिया कमांडर टूनेस लकड़ा उर्फ रवि के अलावा दो अन्य उग्रवादी को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें, टूनेस को छत्तीसगढ़ की बलरामपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया था। गढ़वा के एसपी दीपक पांडे ने सोमवार को जानकारी दी है कि 29 मार्च को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 17 दिसंबर 2023 को रौनका थाना क्षेत्र के ढेंगुरा के जंगल में थाना प्रभारी के साथ मुठभेड़ में शामिल एक उग्रवादी मर्दा थाना भंडारिया निवासी राहुल केसरी पिता वंशीधर केसरी आंध्र प्रदेश में छुपकर रह रहा है। डाल्टनगंज स्टेशन रोड में मजदूर से लूटपाट के बाद चाकू से हमला। डाल्टनगंज स्टेशन रोड में रेडमा ओवरब्रिज के नीचे गैलेक्सी इन होटल के सामने रविवार की रात चाकू मारकर मजदूर से लूटपाट की घटना हुई है। उसे गंभीर हालात में इलाज के लिए एमआरएमसीएच में भर्ती किया गया। बता दें, 18 टाके लगाए गए हैं। घटना के क्रम में हमला करने वाले लुटेरों को स्थानीय लोगों की सक्रियता से पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। बताया जाता है कि सुदना इलाके में मकान की ढलाई हुई थी, इसमें कई मजदूर लगे थे। रात हो जाने के कारण सतबारवा के डुबलगंज के छठन भुइयां समेत कई मजदूर घर नहीं जा पा रहे थे। ढलाई खत्म होने के बाद छठन भुइयां और लहलहे के मुनारी के नाम स्टेशन पर खाना खाने जा रहे थे। इसके बाद गाड़ी मिलने पर घर जाने की तैयारी थी। जैसे ही स्टेशन रोड में रेडमा ओवरब्रिज के नीचे गैलेक्सी इन होटल के सामने पहुंचे, पीछे से एक युवक आया और छठन भुइयां पर चाकू से हमला बोल दिया। सरजू राय के समर्थन में IJMM। धनबाद में भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरजू राय के समर्थन में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आ गया है। बता दें, झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की है कि धनबाद स्थित बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में आया है। वहाँ प्रत्याशी पर कांग्रेस नेतृत्व को फैसला लेना है। अगर धनबाद के कांग्रेस ने सरजू राय को टिकट दिया तो झामुमो पूरा समर्थन करेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जमशेदपुर पूर्वी सीट से झामुमो ने सरजू राय को सक्रिय समर्थन दिया था। इसके अलावा अन्य दलों का भी उन्हें समर्थन मिला था। साहेबगंज से 350 क्विंटल अनाज गायब। साहेबगंज में राशन कार्डधारियों के बीच बंटने के लिए आया 350 क्विंटल अनाज गायब हो गया है। यह अनाज दो ट्रक पर गत 13 मार्च को FCI के महादेवगंज स्थित गोदाम से झारना कॉलोनी स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम के लिए चला था, लेकिन आज तक वह गोदाम में नहीं पहुंचा। सहायक गोदाम प्रबंधक ललित कुमार ने मामले से वरीय अधिकारियों के साथ साथ जीरवाबाड़ी थाने के पुलिस को अवगत कराया है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में अहम तथ्य यह है कि ट्रक मालिक ने गोदाम प्रबंधक AGM की रिसीविंग दिखाई है, लेकिन AGM का कहना है कि ट्रक मालिक ने कुछ देर में ट्रक पहुँच जाने की बात कहकर उसका हस्ताक्षर करा लिया, लेकिन आज तक अनाज नहीं पहुँचा है। केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने रांची SDO से की मुलाकात। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की की अगुवाई में सोमवार को केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सदर SDO उत्कर्ष कुमार से उनके कार्यालय में मुलाकात की है। इस दौरान सरहुल पूजा को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि सरहुल शोभायात्रा में रांची में 10 लाख सरना धर्मावलंबी जुटेंगे। 11 अप्रैल को सरहुल शोभायात्रा एवं ईद दोनों त्यौहार है। दोनों त्योहारों को लोग आपसी भाईचारगी प्रेम सद्भाव से मनाए, इसके लिए प्रत्येक थाना में शांति समिति की बैठक कराई जाए। जमशेदपुर में तेंदुआ के बाद लंगूर का आतंक, 5 लोग घायल। जमशेदपुर में तेंदुआ के बाद अब लंगूर ने तबाही मचा रखी है। लंगूर ने घंटों उत्पात मचाते हुए वन विभाग के अधिकारी समेत 5 लोगों को नोच कर जख्मी कर दिया है। घंटों तबाही के बाद भी न लंगूर हाथ में आया है न ही तेंदुआ। ऐसे में वन विभाग के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित धटकीडीह इलाके में लंगूर ने घंटों उत्पात मचाया। तारापुर स्कूल में लंगूर घुस गया। वहीं स्कूल के छुट्टी होने के बावजूद भी बच्चों को टेबल के नीचे छिपकर घंटों इंतजार करना पड़ा। गिरिडीह से 13 लाख के गांजा के साथ 3 अरेस्ट। गिरिडीह की मुफसिल थाना पुलिस और उड़नदस्ते की टीम ने मुफसिल थाना क्षेत्र के कबरी बांध के इलाके में छापेमारी कर एक 4 पहिया वाहन से तस्करी के लिए लिए जा रहे 20 केजी 200 ग्राम गांजे को जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत बाजार में 13 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस आज की जानकारी
डीएसपी कौशल अली ने सोमवार को मुफस्सिल थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। पूर्वी सिंहभूम में नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एसडीओ सचिदानंद महतो एवं एसडीपीओ अजीत कुमार कोजुर के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ढालभूमगढ़ चौक के पास चार चक्का में एक पीएम आवास में नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यह कारोबार सरकारी शराब दुकान के पीछे बने पीएम आवास में भाड़े पर लेकर किया जा रहा था। इस काम को अंजाम देने वाले सरकारी शराब दुकान के कर्मचारी अजीत सिंह मौके से फरार हो गया, जबकि चार लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड रायत ने मांगी पलामू व चतरा लोकसभा सीट। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड रायत ने गठबंधन के तहत दो लोकसभा सीट पलामू व चतरा की मांग की है। झारखंड रायत के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश राजद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके ये मांग रायत अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व इंडिया गठबंधन से की है। इन्होंने कहा है कि ये दोनों सीटें उन्हें मिले तो वे इन सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। बता दें, झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने इंडिया गठबंधन के केंद्रीय नेतृत्व और रायत अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मांग की है कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को चतरा और पलामू लोकसभा सीट दी जाए। बोकारो स्टील सिटी से चार अपराधी गिरफ्तार। बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के कुंदी बांध स्थित मांडी पट्टी से सोमवार को चार युवकों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे थे। इसी दौरान सिटी डीएसपी आलोक रंजन की टीम ने हथियार के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिटी डीएसपी ने यह जानकारी दी है। सिटी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया कि चारों युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसकी सूचना एसपी पूज्य प्रकाश को मिली है। एसपी ने सिटी डीएसपी आलोक रंजन को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। गिरिडीह पुलिस ने 20 लाख का महुआ जब्त किया। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध महुआ की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 19.92 लाख रुपए मूल्य का महुआ जब्त किया गया। इस सिलसिले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबांध थाना पुलिस ने अवैध तरीके से महुआ लेकर जा रहे एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक में 19,92,100 रुपये मूल्य का महुआ लदा था, जिसे जब्त कर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद महुआ का धंधा करने वालों में हड़कंप मच गया है। इस बाबत गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया है कि रविवार की रात को गुप्त सूचना मिली थी, इसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अप्रैल के पहले सप्ताह में हीट वेव का अलर्ट। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने अभी से ही हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने सोमवार को स्पेशल बुलेटिन जारी करके कहा है कि झारखंड के कई जिलों में लू चलेगी। मौसम केंद्र के प्रमुख ने बताया है कि कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों में 4 अप्रैल 2024 से लू चलने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने कहा है कि सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं लू चलेगी। इसके अलावा 5 अप्रैल 2024 को भी इन्हीं 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कहा गया है कि इसी वजह से कई तरह की परेशानियां लोगों को हो सकती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। एकलव्य मॉडल स्कूल भवन निर्माण में श्रमिकों को नहीं मिल रही न्यूनतम मजदूरी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांवा प्रखंड अंतर्गत हल्दिया गांव में करोड़ों की लागत से एकलव्य मॉडल स्कूल के भवन का निर्माण हो रहा है। इसमें कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा। स्कूल भवन के निर्माण में लगे मजदूरों ने संवेदक पर 504 रुपये की बजाय 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत मजदूरों ने झारखंड जनरल कामगार यूनियन के जिला सचिव सह मंझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कंकुल से की है। कंकुल ने कहा है कि एकलव्य मॉडल स्कूल हल्दिया का निर्माण केंद्र सरकार की मदद से कराया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी 504 रुपये लागू की गई है। बालू घोटाले केस में अब पूछताछ करेगी ईडी। बालू व जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी बहुत ही जल्द ही बालू के सप्लायरों और ट्रांसपोर्टरों को समन कर बुलाएगी। इस क्रम में कांग्रेस से बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद, तुपुदाना ओपी की तत्कालीन प्रभारी दरोगा मीरा सिंह व उनके करीबी कांग्रेस नेता सह जमीन कारोबारी लाल मोहित नाथ सहदेव के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। दोनों ही छापेमारी में ईडी को जमीन की खरीद बिक्री व अवैध बालू खनन व परिवहन से संबंधित दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों की छानबीन में कुछ ट्रांसपोर्टर व सप्लायर के नाम भी सामने आए हैं, जिनके माध्यम से रिश्वत का पैसा पुलिस अधिकारियों से लेकर रंगदारों तक पहुंचती है। अब एक एक कर ईडी सबका बयान लेगी,
ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा सके। गोड्डा सदर अस्पताल में डॉक्टर की जगह नर्स ने किया ऑपरेशन। गोड्डा सदर अस्पताल में प्रसव के बाद चिकित्सक की गैर मौजूदगी में ड्यूटी पर तैनात नर्स ने प्रसव के दौरान छोटा ऑपरेशन कर नवजात को गर्भ से तो निकाल लिया, लेकिन प्रसूति की जान नहीं बचा सका। 22 वर्षीय प्रतिमा कुमारी की मौत हो गई। घटना रविवार की देर रात सदर अस्पताल के लेबर वार्ड की है। महिला का मायका पथरगामा थाना क्षेत्र के चिलोना गांव में है, जबकि ससुराल भागलपुर जिला के पथलकट्टी गांव का था। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह करीब 11 बजे छोटा ऑपरेशन से उक्त महिला को बच्ची हुई। सदर अस्पताल में विशेषज्ञ महिला चिकित्सक नहीं है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजेंद्र भगत ने महिला की बीपी आदि की जाँच कर ड्यूटी में तैनात नर्स को सामान्य प्रसव कराने का निर्देश दिया था। ज्योति अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। ज्योति अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, पिछले 2.5 वर्षों से ज्योति अग्रवाल से परेशान उसका पति रवि अग्रवाल उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसके लिए उसने कई बार प्रयास भी किए, लेकिन उसमें वह असफल रहा था। लेकिन 29 मार्च को ज्योति की हत्या कराने में वह सफल हो गया। इसके लिए वह 2 से 3 माह से हत्या की योजना पर काम कर रहा था। शुक्रवार की सुबह उसने दोनों शूटरों को अपनी कार में बैठाकर योजना के बारे में बताया था। उसके बाद सुबह दोनों शूटर को लेकर कांदरबेड़ा, जहां घटनास्थल हुआ, वहां गया था। कांदरबेड़ा में कार कहां रोकेंगे इस जगह को भी दिखाया था। उसके बाद शूटरों को इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि वह कितने बजे होटल से खाना खाकर बाहर आएगा। रवि ने होटल से निकलने के दौरान भी शूटरों को इंस्टाग्राम पर निकलने की जानकारी अपने फोन से दी थी। खाता फ्रीज करने की झूठी बात कहकर भ्रम फैला रही कांग्रेस। कांग्रेस यह भ्रम फैला रही है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि आयकर विभाग ने केवल बकाया टैक्स की रकम खर्च करने पर रोक लगाई है। ये बातें प्रदेश की पूर्व मंत्री विमला प्रधान ने कही। प्रधान सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा है कि असेसमेंट वर्ष 2018-19 में कांग्रेस पार्टी द्वारा अधिनियम 13A का उल्लंघन करने पर आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई। कमिश्नरेट में कांग्रेस की अपील खारिज होने के बाद आयकर विभाग द्वारा उसे कई नोटिस दिए गए, लेकिन इन नोटिस का अनदेखा करने पर जब विभाग ने देनदारी रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की तो कांग्रेस ने पहले आयकर ट्रिब्यूनल फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन दोनों जगह कांग्रेस की याचिका खारिज होने पर अब देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। पहली से सातवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं आज से। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में वार्षिक परीक्षा मंगलवार से शुरू होगी। ये परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद 5 से 20 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा और 30 अप्रैल को परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। साथ ही सभी छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा। बता दें, शैक्षणिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षाएं पहली पाली में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, वहीं दूसरी पाली में 12:30 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित होगी। पहली क्लास की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि दूसरी की परीक्षा मौखिक व लिखित दोनों होगी। वहीं तीसरी से सातवीं की परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के होंगे। हेमंत सोरेन की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने पर प्राथमिकी दर्ज। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। इसके खिलाफ झामो ने धनबाद थाना, साइबर थाना सिंदरी और झरिया थाना में शिकायत की है। सोमवार देर रात इस मामले में पोस्ट करने वाले फेसबुक पेज और उसके संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। धनबाद थाने में JMA महानगर समिति के कोषाध्यक्ष टिंकू सरकार के आवेदन पर केस दर्ज किया गया। झामो महानगर समिति के अध्यक्ष मंटू कुमार चौहान ने भी मामले में धनबाद साइबर थाने में शिकायत की थी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।